हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। हम यूपीएचएससी जनरल स्टडीज़ के रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 14 टेस्ट हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, जनरल स्टडीज़ के लिए और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज का जो टेस्ट है ये एनवायरनमेंट स्पेशल है, इसका थोड़ा एक क्लियर नहीं है पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जो एनवायरनमेंट स्पेशल 2 है टेस्ट, उसमें जाके, उसमें जो सेकंड टेस्ट है एनवायरनमेंट का, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका नीट एंड क्लीन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज चलेगी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आईसीटी, सबके स्पेशल टेस्ट होंगे। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता एनपीपी सबसे अधिक होगी? देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होगी वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से, इनसे सबसे ज़्यादा होगी। एनपीपी क्या है? ये स्वपोषी है प्राकृतिक वनस्पति, ये जो श्वसन के पश्चात जो संचित ऊर्जा होती है उसको एनपीपी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में एनपीपी सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, अपघटक शाकाहारी होते हैं। अपघटक शाकाहारी होते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। अपघटक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसका सेकंड का बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का सही क्रम है? कोई भी एक तालाब में जो इकोसिस्टम है उसमें जो फूड चेन है उसका सही क्रम क्या होगा, उसमें जो जीवधारी है उनका? इसका सही क्रम होगा शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली एंड देन बतख। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? देखिए, मित्र, पारिस्थितिकी मित्र किसको बोलते हैं? जो पर्यावरण के निर्माण या विकास में सहायक होता है उसको पारिस्थितिकी मित्र बोला जाता है। लेकिन इनमें से ऐसा कौन है, कौन सा है ऑप्शन जो पर्यावरण को के निर्माण या विकास में सहायक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ये सफ़ेदा, यूकेलिप्टस, इसको सफ़ेदा भी बोला जाता है। ये एक्चुअली भूमि की जो नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है और उस भूमि को बंजर भूमि बना देता है, इसलिए ये इको फ्रेंडली नहीं है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? देखिए, वायुमंडल का जो विकास है वो है सौर पवन, देन गैस उत्सर्जन, देन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण एंड देन ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल का डेवलपमेंट क्या है? सौर पवन है, गैस उत्सर्जन है, देन प्रकाश संश्लेषण और उसके बाद ऑक्सीजन। तो अगर पेड़ पौधे ही समाप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। इसका सेकंड टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, आप जरूर जाके देखें, ये दोनों साथ में अपलोड किए जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों टेस्ट में, और मुझे लगता है कि यूपीएचएससी में इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा एनवायरनमेंट का।
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संकल्पना को ट्रांसलेने प्रस्तावित किया था। ये ट्रांसलेने प्रस्तावित किया था, ये कब प्रस्तावित किया था ट्रांसलेने? 1935 में। और जो पारिस्थितिकी शब्द है, ये तो पारिस्थितिकी तंत्र है ट्रांसले 1935, लेकिन जो पारिस्थितिकी शब्द है उसको किसने किया था? अर्नस्ट हैकले ने, ये 1869 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र जो कृत्रिम है? वो है धान का खेत। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, मानव की भूमिका होती है। इसलिए आर्टिफिशियल है। निम्नलिखित में किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? वो है इसमें लकड़ी काटना। इनडायरेक्टली पेड़ काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? खाद्य श्रृंखला में जो घटक हैं उनका क्रम होगा घास, देन टिड्डा, मेंढक, और मेंढक को सांप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखिए, जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं वो है घास, बकरी और मानव। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है ओशियंस। समुद्र जो है वो परमानेंट इकोसिस्टम में आते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, पारिस्थितिकीय जो पदछाप है उसके मापन की क्या इकाई है? देखिए, जो पदछाप का माप है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये पृथ्वी पर जो पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय डिमांड है, जो ह्यूमन डिमांड है, उसको बोला जाता है पदछाप के माप। पृथ्वी पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो मानवीय डिमांड है, मांग है, उसको बोला जाता है। इसकी इकाई क्या होती है? ये भूमंडलीय हेक्टेयर होती है इसकी इकाई। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? जल चक्र है उसका अभिप्राय इनमें से किससे है? जल चक्र एक्चुअली देखो क्या होता है, बादल, महासागर, बादल, वर्षा, धरातल, या धरातल, महासागर, बादल, वर्षा, एक जल चक्र है। आप इसको जरूर देखिएगा गूगल करके, जल चक्र, महासागर, देन बादल, वर्षा, धरातल, ये इस तरीके का है। वाष्पीकरण, संवहन और संघनन, ये तीनों इसी में आते हैं। जल चक्र में क्या आते हैं? वाष्पीकरण, संवहन और संघनन। इसका सही आंसर होगा सेकंड वन। जल का महासागर से पृथ्वी की ओर तथा पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन, ये जल चक्र। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? जो सबसे स्थायी है वो ही सबसे विशाल है। समुद्र। देखिए, पृथ्वी पे जो स्थल मंडल है वो 30% है, जल मंडल है वो 70% है। जो जल मंडल है 70% है, और जो स्थल मंडल है वो 30% है, इसलिए सबसे विशालतम ये होगा। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? कौन एक जीवीय संगठक नहीं है? ये है वायु। वनस्पति, जीवाणु, जानवर, ये सब जीवीय घटक हैं।
और जो अजीवीय घटक होते हैं जैसे वायु है, लाइट है, वाटर है, सोयल है, वायु, प्रकाश, जल, मृदा, ये सब अजैविक घटक हैं। नोट कर लें आप चाहे तो कहीं, नहीं तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? इनमें से जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए कौन प्रयोग में होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन, ये सारे ही सही हैं। ये सभी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। धारणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो विश्व शिखर वार्ता Rio+10 कहाँ हुई थी? देखिए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे विश्व शिखर वार्ता Rio+10 हुई थी, ये जोहान्सबर्ग में हुई थी। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में हुई थी ये। और इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जो Rio+20 है वो कहाँ हुई है? Rio+20 ये ब्राज़ील में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। Rio+10 साउथ अफ्रीका, 2002 जोहान्सबर्ग, Rio+20 ब्राज़ील 2012। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? ये है जो उद्भूत हुई है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना। देखिए, जो पृथ्वी शिखर वार्ता या रियो डी जेनेरियो है, ये है एजेंडा 21। और जो कार्बन क्रेडिट है वो क्योटो प्रोटोकॉल से है जापान। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन से रिलेटेड है, ओजोन संरक्षण से 1987 का। G8 जो शिखर वार्ता है, G8 शिखर वार्ता हिलीजेंडाम में। बाकी जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 2020 में क्योटो की जगह जो पेरिस सम्मेलन लागू हो गया अब एक्चुअली। इसमें जो कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, इसमें पहले था ये क्योटो प्रोटोकॉल था जापान का, लेकिन अब 2020 में क्या आया है? पेरिस एग्रीमेंट, देखा होगा आपने, क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने बोला था यूनाइटेड नेशन में, पेरिस और नो पेरिस हम इसको करेंगे। जो IASA बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसी के लिए बनाया है। इसमें ध्यान रखना आपको ये। अब जो क्वेश्चन आए कार्बन क्रेडिट का, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल पहले था, लेकिन अब ये पेरिस जो जलवायु सम्मेलन हुआ वो है। क्राउन साइनस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? क्राउन साइनस जो परिदृश्य मिलता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो फेफड़े हैं वो इनको बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना आपको, एग्जाम में आए लंग्स ऑफ द अर्थ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आकार श्रृंखला बनाता है? जो समूह आकार श्रृंखला बनाता है वो घास, बकरी, मानव, यही बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका सेकंड टेस्ट है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं इंडिया से रिलेटेड, और जो भी समिट्स वगैरह हैं इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, उसको ज़रूर देखिएगा आप, ये तो बेसिक है। और आई होप दैट यू लाइक इट। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।